नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि IRCTC एप्लीकेशन में 3 अपडेट की गई हैं, 3 फंक्शन को ऐड किया गया है। तो दोस्तों, IRCTC ने अपडेट करते हुए रिफंड हिस्ट्री के आइकन को डैशबोर्ड में रखा हुआ है। जैसा दोस्तों आप देखे होंगे कि वह पहले नहीं था, लेकिन अब वह सामने रख दिया है। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों मैं पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया हुआ था, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो इसमें दोस्तों रिफंड हिस्ट्री दिया हुआ है पहला, और दूसरा दिया हुआ है दोस्तों होटल की फैसिलिटी दी हुई है, और तीसरा दिया हुआ दोस्तों ई कैटरिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला दिया हुआ रिफंड हिस्ट्री का आइकन जो है डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई भी बंदा IRCTC एप्लीकेशन से टिकट को बुक करता है, तो उसका टिकट गाइस मान लीजिए अगर बुक होता है या नहीं होता, या ट्रेन कैंसिल हो जाती है, या तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम तत्काल टिकट बुक करते हैं और वह टिकट दोस्तों इफ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड पे टिक करके अपने टिकट को बुक करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि सीट नहीं रहती है, तो सीट तो हमें नहीं मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमारा टिकट गाइस वेटिंग में नहीं जाता है, लेकिन उस केस में क्या होता है दोस्तों कि पैसा कट जाता है, 3 से 5 दिन के अंदर में वह पैसा आता है। वह दोस्तों वहां पे डिटेल में दिखा देता है कि IRCTC द्वारा आपके अकाउंट से कितना पैसा जो है रिसीव किया गया है और कितना पैसा दिया गया, सारी चीजें वहां पे आपको सामने ही दिख जाएंगी, जिससे दोस्तों लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि ढूंढने में मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आया कि नहीं आया। यह दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा नंबर का। तो दूसरा नंबर होटल बुकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बहुत पहले ही दिया हुआ था लेकिन उसको अभी अपग्रेड किया है। तो उसमें दोस्तों होटल बुकिंग में जो कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे IRCTC टूरिज्म का मेन एप्लीकेशन खुलता है, जिसमें दोस्तों वहाँ पे दोस्तों डेस्टिनेशन में आप होटल को ढूंढ सकते हैं, और ढूंढ के दोस्तों आप जितने भी तारीख को चेक इन करना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, वह आप एंटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों रूम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने गेस्ट हैं, ये सब चीजें आप उसमें फिल करके अपने होटल को फाइंड कर सकते हैं इजीली। और सबसे अच्छी बात इसमें गाइस यह है कि आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि प्राइस कितना है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसकी फैसिलिटी कैसी है, आप ये सारी चीजें उसमें देख सकते हैं, जिससे आप अपने सुविधा के हिसाब से अपना होटल प्रेफर कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका टाइम भी बहुत बचत होगा। नहीं तो क्या होता है गाइस कि हम कभी कभी डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाते हैं और वहाँ पे होटल ढूंढना पड़ता है, तो काफी दिक्कत होती है। तो इससे आपका टाइम का भी बचत होगा और दोस्तों ज्यादा आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा जो अपडेट है वो है ई कैटरिंग से रिलेटेड। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको रेलवे में खाना बाहर से खाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है इसको और अपग्रेड किया गया है। अब आप अपने सीट नंबर पे ही खाना पा सकते हैं, वो भी अपने PNR नंबर से ही। वहाँ पे दोस्तों आपको अपना PNR नंबर डालना होगा, अब आपको क्या खाना चाहिए वो खाना आपको ऑर्डर करना होगा, और यह COD भी है, कैश ऑन डिलीवरी। ऐसा नहीं है कि आप पे कर दिए एक बार फूड आएगा कि नहीं आएगा ये लगा रहता है, तो ऐसा नहीं है। आप जो भी चीज ऑर्डर किए हैं वो कैश ऑन डिलीवरी है, COD है, तो जब तक खाना आपके सीट पे आ नहीं जाएगा तब तक आपको पैसा नहीं देना है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल की गई है और खाना आपको आपके सीट पे ही मिलेगा। तो दोस्तों IRCTC के मेन एप्लीकेशन में यही 3 अपडेट आई हुई थी, जो कि मैंने दोस्तों आपको डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ और ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों घंटे का बटन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।